तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाबा स्याड़, नो सॉरी सॉरी, बाबा डंसर वाली साइड में, और देखते हैं वहाँ का नज़ारा बाबा डंसर वाली साइड में। तो देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो अभी फिलहाल जो हम इंट्रो कर रहे हैं यहाँ से, पहाड़ों से, कहते हैं ना पहाड़ों में अपना ही मज़ा, तो इसलिए पहाड़ों से हम इंट्रो कर रहे हैं। जो हम जगह जा रहे हैं ना भाई साहब, बहुत ही स्पेशल जगह है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, बाबा डंसर, नो देवियाँ, बाबा स्याड़, वो है। उससे बेटर जगह जो है हमारे जम्मू कश्मीर में होगी, पर उससे बेटर जगह मैंने तो कभी नहीं देखी है। तो ये देखा कि इतना रास्ता पड़ा हुआ, इस रास्ते से हरमीत नहीं आ रहा और यहाँ से आ रहा डायरेक्ट। तो गाइस फिलहाल अभी पहुंचे सिद्धड़ा हाईवे में, और आप देख रहे हो कि मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, और मैंने डबल टॉप हेलमेट डाला है। हेलमेट जो है बंद भी हो जाता है और ओपन टॉप मतलब कि खुल भी जाता है। तो अभी आपने हरमीत का नज़ारा देखा कि क्या किया उसने, तो सीधा आपसे चलते आगे और मिलते आपसे आगे। ये भी लड़ाई हो चुकी है, बंद टॉप लगाना, आप देख रहे हो कि गाड़ियों का जाम लग चुका है हर तरफ से। ये देखिए वो बंदे गए, वो जो दो जा रहे हैं ना, इनके साथ हुई है कुछ बहस हुई है इनकी, तो ये जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाम लग चुका पूरा। दूर भागे तेरे बिना, गाए हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना। बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है, अब कह रहा कि ये बाइक जो मैंने पहाड़ में चढ़ाई है, ए 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 चढ़ाई दी, वाह व्हाट अ पावरफुल बाइक। फिलहाल के लिए अभी हम पहुंचे सुसाइड पॉइंट पे। सुसाइड पॉइंट इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये जो पुल दिख रहा ना, ये पुल से काफी लोग जो है करते हैं सुसाइड वगैरह करते हैं, पर ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे चंद 4-5 मिनट फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे बाबा डंसर के लिए। अपने को गाइस फिलहाल जो है मस्त गिटार मिला है, सोच रहा हूँ कि बजाऊँ, पर बजाना नहीं आता मुझे गिटार। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत है ये, मतलब फ़ोटो क्लिक करने के लिए रखा हुआ है ना उन लोगों ने, तो यहाँ पे जहाँ से हमने लिया था वहाँ पे रख देते हैं। बाइक फंस चुकी फंसेगी तो नहीं, आराम से निकाल, आराम से ब्रेक मार के, उधर नहीं चल जाना, बस आ गई। फिलहाल के दोस्तों भी पहुंचे नौ देविया में, यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाबा डंसर का। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहा धो के मत्था वगैरह टेक के वहाँ पे जाएंगे। ये माता नौ देविया का दरबार है, ये जो गुफा ये है नौ देवियाँ की, यहाँ से आपको जाना पड़ता है। अभी जो है फिलहाल रश लगा हुआ है, तो जैसे ये होगा थोड़ा सा क्लियर तब, ये देखो ये मंदिर, यहाँ से ना डाउन होके जाना पड़ता है, झुक के जाना है। जकारा शेरे वाल दा, बहुत सच्चे दरबार की जय, आए जय माता दी। रुको जाने दो सबको, फिर जाएंगे हम आराम से। यहाँ पे काफी ठंडी जगह है यार, वाह जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरा बैग फंस गया, जगह नहीं थी वहां पे रखने की, नीचे की आऊंगा मैं। श्री शेषनागी जी का मंदिर, और ये सामने जो नौ देवी का दरबार है, ये नौ देवी का दरबार चल रहा है। तो फिलहाल का अभी मस्त दर्शन कर लिए, ये देखो तिलक भी लगा लिए माता रानी का, और आपको मैं एक एक्साइटेड चीज बताने लगा हूँ, आपने देखी है ये है स्विमिंग पूल, एक ये छोटा जो बच्चों का, उस साइड है बड़ों का, तो नहीं तीन है, एक बच्चों का, एक लेडीज का, एक बड़ों का स्विमिंग पूल है वहाँ पे बना हुआ। तो चलो वो भी दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल ये स्विमिंग पूल जो कि लड़कों के लिए है, और मस्त कच्छा वगैरह लेके आया हूँ मैं, टावल भी लेके आया हूँ, ये कुछ नहीं लेके आया, कह रहा है कि किस महीने आएंगे तो यहाँ पर भी नहाएंगे। तो देखो तभी वीडियो जो है स्टार्ट कर दी हुई है ये मिनी कैमरे के साथ, ये गया, वाह बड़ा ठंडा पानी है, मजा आ रहा है। नहीं तो
गाइस ये देखो ये किस्म का है क्रिस्टल पानी। तो ये मतलब ये काफ़ी ठंडा ये भी पानी है, ये सीधा पहाड़ों से आ रहा है यहाँ तक। तो यार वाह, चलते हैं इसके अंदर भी थोड़े कैमरे को थोड़ा सा। फिलहाल के लिए नहा धो लिया है, जो फिलहाल के लिए नहाया उसको सुखाना भी तो बनता ही है। साफ कर रहे हैं देखो कैसे ये डालते पन्नी में, इसको पन्नी नहीं बोलते पापा हो गया ना, तो इसको गाड वगैरह मार के ना पन्नी में डाल के रख देते हैं। तो गाइस मैं फिलहाल अभी नहा धो के तैयार हो गया हूँ और हमने ऑर्डर किया एक मैगी और दो कप चाय के लिए। तो गाइस फिलहाल हमारी मैगी आ चुकी है, पर उसने फॉक जो आप देख रहे हो एक ही दिया, उसको दूसरे फॉक के लिए बोला। नहा धो लिया, खा धो लिया, अब निकलते हैं घर के लिए, देख जाके बाबा डांसर जाएंगे या नहीं। फिलहाल बाहर तो आ चुके हैं हम भाई, के ए, ए, ये लगी हुई है। अभी मैंने वहाँ पे ना कुल्चे वाले भैया से पूछा कि कुल्चा है, वो कह रहे है तो है पर चने वाला था, चने वाला कुल्चा मैं नहीं खाता क्योंकि मेरे को ना पसंद नहीं चने वाला कुल्चा, तो इसलिए अभी न्यूट्री वाला कुल्चा खाएंगे, वो कटरा में जाके खाएंगे। ठीक है, कटरा में जाके न्यूट्री वाला कुल्चा खाएंगे तो आपको बताएंगे ये स्वाद कैसा। पर यार मेरे को लग रहा है कि उधर हमने रो पी, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं चाय वगैरह पी और उसके बाद जो भी मैगी छगी खाई, इधर कुल्चा खा रहे हैं, ये किस्म का यार वो फूड ब्लॉग नहीं हो गया। चलो फिलहाल चलते कटरा में, आपसे मिलते हैं कटरा में कुल्चे की तरफ। तो गाइस फिलहाल अभी जो है लच्छे वाले कुल्चे खाने के लिए रुके हैं क्योंकि अभी कुल्चा वगैरह जो आगे काफ़ी तो वो मिल नहीं रहा मुझे, तो इसलिए लच्छे वाली कुल्फी ये। फिलहाल हम लोगों ने अभी कुल्चा वगैरह सब कुछ खा लिया है, अभी आगे के लिए। तो अभी दोस्तों फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। आपको पता कि मेरे व्लॉग जो पहाड़ों के मतलब ये हमारे जम्मू में आपको पता है पहाड़ ही ज़्यादातर, तो फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट लेवल धमाकेदार और चिल वाले व्लॉग के साथ। के बजा को